लूजर्स क्विट व्हेन दे फेल बट विनर्स फेल अंटिल दे सक्सीड। असफल होने पर सिर्फ हारे हुए लोग मैदान छोड़ जाते हैं, जीतते वही हैं जो हर हार के बाद भी डटे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल KVY मीडिया मोटिवेशनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन सभी लोगों की, उन सभी युवाओं की जो सिर्फ एक बार सपने टूट जाने पर हिम्मत हार जाते हैं, जो छोटी मोटी अकादमिक विफलताओं को, अकेडमिक फेलियर को अपने दिल से लगाकर सुइसाइड, आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि मेरा ये वीडियो उन सभी युवाओं को ज़रूर एक नया डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, जरा उन सभी लोगों से जाकर एक बार पूछिए जो आज अभी अपने जीवन में सफल हैं, कि क्या वे कभी अपने जीवन में फेल हुए हैं या नहीं। 100% चांसेस हैं आपको उन सभी लोगों से ऐसे कई सारी स्टोरीज सुनने को मिल जाएंगी जिसमें वो आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल को फेस किया और न जाने कितनी बार उन्होंने अपने जीवन में अकेडमिक फेलियर, अकादमिक विफलताओं का सामना किया। इसीलिए दोस्तों, एक बड़ी सफलता पाने के लिए आपका फेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखें, फेलियर इज़ नॉट अपोजिट ऑफ द सक्सेस। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ द सक्सेस, इट्स ए पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर सक्सेस का ही एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। इसीलिए आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है बल्कि खुद आप से है, आपके अंदर बैठे हुए आलस्य से है, आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले उन सभी नकारात्मक नेगेटिव विचारों से है। एक बार अगर आपने इन सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लिया तो आप दुनिया जीत जाएंगे। इसीलिए जीवन में कुछ भी हो जाए, कितने भी विपरीत परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़े, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आंसू नहीं बहाने हैं किसी भी तरह के स्ट्रगल को फेस करने पर। कितनी भी छोटी छोटी अकादमिक असफलताएं आपको जीवन में प्राप्त हो, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको दुगने रफ्तार से फिर से उस मंजिल के तरफ उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते रहना है। इसी ही संदर्भ में मैं अब आप सभी के साथ गोपाल दास नीरज जी की कुछ पंक्तियां शेयर करना चाहता हूं। उन पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। उन्होंने कहा है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है, सपना क्या है, नैन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या, माला बिखर गई तो क्या, समझो खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। माला बिखर गई तो क्या, समझो खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इसी ही संदर्भ में गोपालदास नीरज जी की कुछ पंक्तियां मेरे हृदय के बहुत करीब हैं, वो अब मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि नफ़रत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, नफ़रत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो कुछ ही समय अंतराल के बाद मैं वापस मिलूंगा आप सभी के साथ एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।